नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आयुष फार्मेसी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए और एक वीडियो। ये वीडियो में हम बात करेंगे सोरासिस के बारे में, सोरासिस को क्योर कैसे करना चाहिए ये हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं और शॉर्ट में बात करते हैं। सो हमें ज़्यादातर हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है सर्दियों में, तो सर्दियों में इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। आपको सर्दियों में यूज़ करना चाहिए ज़्यादातर ऑयलमेंट्स, और ऑयलमेंट्स में आपको यूज करना है वेसलिन पेट्रोलियम जेली। इसको मॉर्निंग में और नाइट में अप्लाई करना है। सो हमारी बॉडी मॉइस्चराइजर रहेगा तो हमें इचिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा और स्कल्प का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं सेकेंड जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है रामबाण इलाज। जब आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ज्यादा इचिंग हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हो और फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, आप अपना सहन नहीं कर पा रहे हो, बस आपके आंसू निकल रहे हैं, तो आपको मैं जो बता रहा हूँ आपको ये यूज करना है। तो इससे आपको बहुत ही फायदा पहुंचेगा। आपको यूज करना है सॉर्वेट सी ऑयलमेंट, आपको यूज करना है सॉर्वेट सी ऑयलमेंट, और जहां पे भी अफेक्टेड एरिया है वहां पे इसको अप्लाई करना है मॉर्निंग में और नाइट में। सो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इससे क्या फायदा हो रहा है या नहीं। सो ये है रामबाण इलाज। ये क्या करता है, जो हमारी स्किन है उसको जो फास्ट तरीके से बढ़ती है उसको स्लो कर देता है, उसकी गतिविधि स्लो कर देता है। तो गतिविधि स्लो करने से हमारी स्किन फास्ट नहीं बनती, स्लो बनती है तो और नॉर्मल कंडीशन पे आ जाती है। ये ऑयलमेंट का काम यह है। तो अगर आपको बहुत तकलीफ है तो आप सॉर्वेट ऑयलमेंट को यूज कर सकते हैं और अपनी तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं, अपने सोरेसिस को कंट्रोल में ला सकते हैं। और जब आपका सोरेसिस कंट्रोल में आ जाए तो आप सॉर्वेट सी को कम कर दो और वेसलिन पेट्रोलियम जेली को लगाना ना भूलिए। वेसलिन पेट्रोलियम जेली आपको मॉर्निंग और नाइट में अप्लाई करना है, और आगे के बारे में आप अपने डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट से आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।